गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माई अनदर व्लॉग। तो भाई अभी सो के सब लोग उठ चुके हैं और टाइम हो रहा है 7:10। बाहर निकल रही है अच्छी खासी धूप और सब रेडी हो गए सुबह सुबह जल्दी उठ के ना कि अब तो चलो ऋषिकेश। मैंने कहा मंसूरी चलो पहले, लेकिन सबके घर से आ रहे हैं फ़ोन और भाई पापा ने खूब गाड़ी दी है रात को, मतलब सबके डैडी ने सबको गाड़ी दी है बढ़िया वाली। ये बाबा हमारा शेरा। शेरा कैसी गाड़ी मिली भाई? तो सब भाई अच्छी अच्छी ठीक ठाक, घर से को पता कर नहीं आया भाई, सबके घर वाले हो गए भला खजाना ठीक नहीं था, पर हमने कह दी ठीक है कोई ना आज शाम तक वापस आ रहे हैं। कोई ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट प्लान है वो हमारा ऋषिकेश राफ्टिंग और हरिद्वार बोले की नगरी। जय बोले, जय बोले की। तो अभी हम सब निकल रहे हैं, सबने चेंज भी कर लिया है, लेकिन मैं भाई चेंज नहीं करूँगा क्योंकि मैं पहले उन कपड़ों में बहुत अनकम्फर्टेबल था और बीच में आउट था पॉली भेजे, और जो मेरे कपड़े थे वो मैंने थैली में डाल लिए, मतलब जिनको मैं पहन के आया था उनको मैं रात को शॉपिंग करके लेके आया था, मतलब यहीं से विशाल मेगा मार्ट से ही। ये रे सब लोग, ये अपना खड़ा पिंटू है, ये यहाँ का व्यू पॉइंट है कुछ ऐसा। ये अपनी गाड़ी खड़ी है नीचे और सामने, मतलब यहाँ पे घर थोड़े बहुत कम घर हैं, यहाँ पे बहुत दूर दूर है काफ़ी। चलें भाई, चलो भाई। तो अभी हम जा रहे हैं, फिलहाल सबसे पहले करेंगे हम ब्रेकफास्ट क्योंकि बहुत तेज लग रही है भूख, उसके बाद हम निकलते हैं शायद जहाँ तक है, गाड़ी में बैठने के बाद मूड बताएगा क्या कहाँ पे निकलेंगे। जहाँ तक ऋषिकेश जाएंगे 80% जाएंगे हम ऋषिकेश। ऋषिकेश में गुप्त जगह है कोई, भाई वहाँ पे लेके जाएगा, कोई झरना वरने के नीचे नहाएंगे, राफ्टिंग करनी है ज़रूर। राफ्टिंग के लिए तो स्पेशल हम आए ही थे, वो ये अभी तक की नहीं। तो ठीक है भाई, कंटिन्यू करेंगे आपके साथ आगे के सारा ब्लॉग। अभी हम पहले निकलते हैं घर में, हम बैठते हैं जाके और पहले कुछ खा लेते हैं, पेट पूजा कर लेते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके बिना तो हम ही नहीं चल पाएंगे। आ जाओ, ये भाई कॉलेज बॉयज हैं, इस कॉलेज से सीधे यहाँ आ गए हैं, देखो जूता वूता अंदर लेस पैस है, ऐसे बारात में जा रहे हो मामा तुम, थारे मामा की बारात चढ़ रही है यहाँ है बात, तुमने छाती भर दी तुमने, तुम ले गए 900 से। सही है भाई, 900 हमारा लेसे रहा है, आप अन्नी और रख बाबू मेरी है। चार्जर लिया है, हम रुके हैं यहाँ पे पहलवान पराठे पे, जो कि मौसी के लड़के ने बताया कि यहाँ के पराठे थोड़े ज़्यादा पॉपुलर हैं। मैंने कहा चलो पराठे चेक करके चल देंगे, क्या हो गया अब चेक करके देखते हैं कैसे पराठे हैं कैसे पराठे नहीं है। भीषण तो देख देखो, 3-4 में है भीषण की, तो है इतनी खुराक है भीषण के ना। अरे भाई खुराक ना जो कुछ होगा भाई देखा जाएगा अपना, क्या खाने आए भाई। वाले ने तो बिल्कुल हमारा मन ही मार दिया क्योंकि ये अभी कह रहा है कि टाइम लगेगा, क्योंकि अभी सुबह सुबह ज़्यादा सुबह ही हो गई है, 7:30 ही तो बजे हैं, 7:30 पौने 8 का टाइम हो रहा है, और ये ढाबा अभी खुला नहीं है, कह रहा भाई आधा पौना घंटा लगेगा, वेट करना पड़ेगा। मैंने भाई हम बना इतना वेट क्योंकि लग रही है भाई, हम रास्ते में से देखेंगे कुछ खाने पीने के लिए, अब और क्या करें। बाबू जी तो अंदर भाई साहब फोटो खिंचवाने लग गए, जैसे कितना बड़ा होटल हो गई आदत ही खराब है, बुला लगी है ना बुला के लगे। तो अभी हम मतलब रुके थे, कौन सा ढाबा है पंजाबी तड़का ढाबा, पराठे कोई खास ज़्यादा अच्छे थे नहीं इसके, इसके पराठों को रेटिंग मिलेगी 1.5 out of 5। और बढ़िया कहूँ अपने ऋषिकेश में जाके वे को हां आवे बस मजा छोटे भाई, वहां तो भाई ने लगा ले छोटे भाई सुनने और उन टाइम से सुनने कह रहे हो वहां जाकर मैटर देवे को वही तो देंगे रहा है यार, यहां को कल से ही मैटर नहीं दब रहे मैटर जाके मैटर में दबाओ
तो भाई अभी गाड़ी वगैरह पार्क करके हम जा रहे हैं फिलहाल राफ्टिंग के लिए। राफ्टिंग कार कुछ इस तरीके की, भाई सब बैठे हैं इसमें। ये भाई अपने पानीपत से हैं। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने राफ्टिंग करने के लिए। आए हुए हैं शिवपुरी, जो कि यहाँ से 16 किलोमीटर की राफ्टिंग होती है, और हम हो चुके हैं एकदम रेडी, पैक कर दिए हैं भैया ने, मतलब ये अपने आप कर देते हैं, इससे ये डूबने नहीं लगेगी। मेरे को तो तैरना भी आता है, डर और लग रहा है। हाँ भैया अंशु भाई, कैसा लग रहा है भाई साहब? दिल का ही बैठो पर अब पता है भाई, भी हो गया अपना रेडी। हेलमेट पहन, ये हम है फिलहाल शिवपुरी। ये भैया हमारे यहाँ एक फोटो, एक दो मिनट रुक जाएगा, फोटो खींचता तो दिखना रहा, मैं वीडियो बना रहा हूँ, खिंच जाएगा फोटो भी, ले फोटो खींच भैया। यहाँ देखो भाई अपना, नहीं आज देखो राफ्टिंग की तरफ, और अब जाके उतारेंगे अपनी मतलब बोट को उस पानी में, और फिर करेंगे राफ्टिंग स्टार्ट, जो कि है हमारी 16 किलोमीटर की। हाँ भाई दिख रहा है तू, जो कि है हमारी 16 किलोमीटर की। देखते हैं कैसा मजा आएगा, कैसा रहता है हमारा एक्सपीरियंस वो हमारी। बाकी डर तो बहुत लग रहा है, इनकी पानी का भाव भी तेज आया, इनकी पलट गई तो हम पे तो तैरना भी ना आवे, तैरेंगे कैसे हम, वो रही हमारी बहुत सारी। येलो वाली बोलो गंगे मैया की, एंजॉय द गॉल, गो फॉरवर्ड, गो फॉरवर्ड, फॉरवर्ड फास्टर, 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 राइट साइड, कम ऑन, मूव हार्डर, मूव हार्डर, मूव हार्डर, मूव हार्डर। तो भाई राफ्टिंग भाई मजा आया भाई, भाई पूरा मजा आया, कैसा मजा आया, पूरी लहर आई, दूर दूर तक चले हम भाई, कैसा बहुत बढ़िया, बहुत दूर दूर तक मार जानी चाहिए, दूर दूर तक जानी चाहिए। राफ्टिंग करके हम जा रहे हैं अब वापस से हरिद्वार के लिए। हालत हमारी ऐसी, और अभी हर की पैड़ी पे दोबारा नहाना है, हर की पौड़ी रह गई, चुप, हर की पौड़ी पे दोबारा से नहाना है अभी तो जाके, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। हाँ भाई कैसा रहा दीपांशु आपका एक्सपीरियंस भाई? भाई कैडो स्वाद आगो करते मजा, हाँ भाई पिंटू भाई, भाई मजा करते फुल मजा, भाई तो अलग जा जाकर तैर रहा, क्योंकि अपने मजा आवे ना हम पे, तो आवे ना 100 फुट दूर चले गए हम, तो तैरना आता नहीं ना ज्यादा। और अरे अंशु छोटे भैया बहुत तगड़ा स्वाद आया, दूसरे रैपिड में तो इतना तगड़ा स्वाद आयो, सबकी फटगी ना भाई ना, सबकी ना बटी, बस अंशु की बटी, तो नौ बटी, बस अंशु की बटी, और एक भीषम की बटी, क्या बात कही है वो भीषम, भीषम कह रहा हूँ, जल्दी ऊपर चढ़ा, पत्थर आ रहे, पत्थर आ रहे, जो पत्थर यही के लगेंगे हमारे यहाँ लगेंगे, बताओ यही के पत्थर लगेंगे, जो पत्थर ही तोड़ देता भीषम है। अब देख लिया था ना वो नदी जम राफ्टिंग हो गए भाई, अब मैंने वो नदी देख ली जम राफ्टिंग हो गए, बहुत तगड़ी है भाई, मजा आ रहा है भाई, मत देख रहा तुम्हें इतनी यार, सही तो लगे पता नहीं जगह देख ले, अपने बीच में चल जाओ भाई, तीसरे के लिए देख रहे हैं ये चीज, अरे अंग्रेज यार उन्होंने कासों में मारी भाई, अंग्रेज ने गाड़ी समझ में आज वे तो सबसे ज्यादा वक है हमें भूख लग रही है, और ऊपर से थक भी गए हैं हम, और मेरे इस वाले हाथ में पहले थोड़ी दिक्कत थी, तो इसमें अब दोबारा दर्द हो रहा, मतलब इससे वो चलाया था ना, मतलब चलाई नहीं आती, दोबारा दर्द होने चढ़ा दो इन पे,
चूतिया में सिलो चलाऊं वो तो लगे जब तुम तेरे जैसे तीन ड्राइवर बन जाएंगे चलो आगे तेरे 100 ऊपर ना चढ़ाई लगेगी गाड़ी। चुके हैं हम हरिद्वार और भूख के कारण हो रही हमारी हालत ख़राब क्योंकि इन्होंने मेरे को कुछ खाने नहीं दिया। कह रहे पहले नहाएंगे उसके बाद कुछ खाएंगे। तो अभी पहले हम जा रहे हैं नहाने के लिए हरिद्वार हल्की पौड़ी पे। भाई ने कुछ नहीं खाया है लेकिन इसमें एनर्जी है अभी। तो मर रहा हो तो एक बार हम थे भाई पराठे के मारा मेरे को कहना जा रहा हूँ आ जा भोले ले लेंगे आधे टाइम ले लियो यार चल पहले। मैं गंगा माँ का लाडला बोले ना यू लाडला ये हम नहा धो के हो चुके हैं फ्री। अब हम पहले करेंगे पेट पूजा उसके बाद करेंगे कुछ आगे बढ़ने की तैयारी क्योंकि डैडी का आ गया है फोन दोबारा से। डैडी बोले कि बेटे घर में आने की कोई जरूरत नहीं है फोन डैडी का अपना हरिद्वार में ही वहाँ एक झोपड़ी डाल ले और वहीं पर रहे। सबके डैडी का फोन आ गया भाई मेरे पापा का भी फोन बोले कहाँ हो मेरे से आगे रास्ते में बल बहुत बढ़िया आ जा नहीं तो फिर बताइए फिर वहीं पर रहिए। तो पहले कुछ पेट पूजा कर लेते हैं हम उसके बाद निकलते हैं वापस से पलवल के लिए। भाई देखो क्या होता पुराना तो फरीदाबाद पहुंच रहे हैं भाई हमारे इस ट्रिप में बहुत मोटे मोटे राग हुए मिली पर 500 भाई हाँ भाई धमकी एक ही अपना देख के रीजो फोन आ रहा हूँ तो आप पहुंच चुके पहुंच गए लगा लो फरीदाबाद है तो मतलब अपने घर दिल्ली में हम थोड़े से लेट हो गए थे इस वजह से क्योंकि हम चल रहे थे मैप के हिसाब से और उसने हमको एक दो बार वहीं मतलब सेम लोकेशन पे घुमा के वहीं पे लगा दी गाड़ी बार बार ना तो आप पूरे 1.5 घंटे हमारे खराब हो गए नोएडा वाले रोड पे। तो वहाँ से आप अपने दिमाग से फिर मैप बंद करा तब आए पूछताछ कर अपने दिमाग लगा के तो यहीं पकड़ते हैं आज के ब्लॉग को हम एंड। बाय बाय गुड नाइट।